कायनात का एक अजीम नाम आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़बी मसूद शाह साहिब बुखारी, आप अपने दिलनशीन खूबसूरत अंदाज के अंदर सरकार की मदा सराई फरमा रहे थे। ये वो शख्सियात हैं दोस्तान जी कदर के जो नात की सूरत में लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल इश्क रसूल को उजागर करते हैं। दुआ है मेरा मालिक इनका साया तादेर तादेर अल सुन्नत पे कैम और दैम फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली सलामती वाली मेरा मालिक और ज़्यादा इज्जतें बरकतें और अजमतियाँ ता फरमाए। जितने भी अहबाब ग्रामी हैं थोड़े थोड़े करीब तशरीफ ले आए, जितने भी अहबाब तशरीफ रखें माशाल्लाह। इसी दौरान सरमाए अल सुन्नत फ़ख्रे अल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा कमर सियालवी साहिब जिनका खुसूसी खिताब होना है, आप हमारी महफल के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों में आप अपने अफकार आलिया से हमारे क़ुलूब अज़ान को अमन अबर फरमाएंगे। तमामी अहबाब करीब आकर तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएँ। जितने भी अहबाब ग्रामी पीछे बरए मेहरबानी आगे आ जाएँ, ये जो सामने खलाए इसको बुर करें ताकि क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा चुके हैं। आप अपनी कीमती मारूजात से हमारे क़ुलूब अज़ान को अमन अबर फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ बैठिए, इसी कलाम के साथ क़िबला अल्लामा साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। चिरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। आपने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है कि जो बंदा अपना ताल्लुक और रिश्ता कमली वाले से मजबूत कर देता है मेरा रब उसको इज्जतें अता फरमा देता है। चिरागे गोलड़ा ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है दोस्तान जी कद, सुनिएगा सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। मैं क़िबला अल्लामा साहब के हवाले के जो आसतान से तेरे लो लगाए बैठे हैं, कह दे सुभान अल्लाह। जो आसता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है जमाने पे छाए बैठे हैं। और चमक रखी के जबी ने तेरे फकीरों की, चमक रखी के जबी ने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं। और एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। और नसीर हम में तो अपनों से कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। आपकी इन मोहब्बतों में दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मखदूम आले सुन्नत नाज़िशे आले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाल मुस्तफ़ा कमर सियालवी साहिब, आपसे इंतहाई अदब एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ। अपने अफकार आलिया से आप हमने हमारे क़ुलूब अज़ान को अमन अवर फरमाएंगे। आप नारे की गूंज में क़िबला अल्लामा साहब का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। लायक सद इज्जत इकराम मुहतशम मुकर्रम सामईन इकराम अजदी पुरवकार तकरीब अकायद जहां हबीब किबरिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लमा, आप दी आमद पाक दी खुशी दे सिलसिला दे अंदर निकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेज़बानान मुकर्रम दी मसाई जमीला मकबूल फरमाए। जनाब मोहतरमी तारिक हुसैन नक्शबंदी साहेब, जनाब मलिक अल्ताफ़ हुसैन साहेब, मलिक एजाज हुसैन साहेब, मलिक अखलाक हुसैन साहेब, जुमला उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाने, बिलखसूस जनाब हाफिज़ सदाम हुसैन चिश्ती साहेब, अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम दी मसाई जमीला मकबूल फरमाए। मेरे तो पहला आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत यकीनन साढ़े मुल्क जितने सना खान जिस अंदाज पढ़ते पे ने, आपका नाम सर फहरिस्त है सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का मुकद्दस जिक्र मेरिया थोड़िया समातों की नज़र फरमा रहे सन। हुण चुके नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो चुका है, बस चंद मिनट की हाजरी है मैं अर्ज़ करके उस तो बाद जनाब को इजाज़त तलब करूँगा। अल्लाह ताला आलो सुन्नत व जमात नू कायम दायम फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर शाह साहब क़िबला नाज शरीफ के दौरान आलो सुन्नत व जमात का खूबसूरत अकीदा भी बयान फरमा गए ने। अल्लाह ताला मैनू थानू इसे अकीदे ते जिंदगी और इसे अकीदे दे उत्ते मौत अता फरमावे और कबर के अंदर मेरा मालिक मौला इसे अकीदे का हामिल रखे। हज़रात ग्रामी कदर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब प्यारे फरमा दो अगर तुसा मैं रब नाल यानी तेरे उम्मती मैं परवरदिगार नाल मुहब्बत करते ने, फरमाया सुने तेरी इतबा करन तेरे नाल मुहब्बत करन मैं परवरदिगार इन्हां नाल मुहब्बत फरमावांगा। बड़ी काबिल गौर गल है
कि देखो परवरदगार इन फरमांदा कि अगर तुसी मेरे नाल मुहब्बत कर दे हो मैं थोड़े नाल मुहब्बत फरमावांगा, लेकिन इंज नहीं फरमाया, फरमाया फत्तबिउनी, महबूब इन्हां नूं कहो कि थोड़े नाल मुहब्बत करन, थोड़ी इतबा करन, मैं परवरदगार इन्हां नाल मुहब्बत फरमावांगा। कायनात के अंदर सानू जो मिलिया, पहली गल तो यह कि जो मिलिया इंसान की मेराज यह है, बुलंदी यह है कि जो मिलिया उहदे ते राजी हो जाए और एहसान फरामोश न रवे कदी। असी तो सरकारे दो आलम अलैहि सलातो सलाम की नेमत की इतनी तहदीस करते हैं कि अज जमादी उल अव्वल दियाँ आखिरी तारीखा शुरू हो गई ने तो सरकार के मिलाद की महफिल फिर भी जारी ने। ओ रिवायत हज़रत खिदर अलैहि सलाम आप दरिया के किनारे बैठे सन तो बिच्छू डुबदा पिया सी, तो आपको बड़ा तरस आया तो आपने इस तरह करके ना हाथ डाल के उन्होंने उठा लिया। जो उठाया तो फिर वह बिच्छू उसकी आदत है डंग करना, उसने डंग कर दिता, आप इस तरह करके हाथ आपने झटके तो फिर पानी गिर गया। तो हज़रत खिदर अलैहि सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैं तेरे से एहसान किया तू मैं डंग कर गया, आपने फरमाया मैं तेन बचा के ही रहना, मरण नहीं दिता अज। आपने फिर हाथ डालिया, उन्हें जनाब फिर डंग कर लिया, आपने फिर हाथ झटके, आओ फिर अंदर तीसरी मरतबा फिर आपने अपने हत्था से उन्होंने उठा लिया। एक बुजुर्ग कोल खलोते सन, आखन लगे खिजर जमाने नु नसीहत कर दे हो, दुनिया नु अकला मंड दे हो, ते आप की पे कर दे हो, तीन दफा डंग मारे तुसी तीन दफा उठा लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बुजुर्गो गल थोड़ी भी ठीक है, बिल्कुल सही फरमाते हो, लेकिन इतनी मेरी अर्ज है कि यह बिच्छू होके अपनी आदत नहीं पे छड़दा, मैं खिजर होके अपनी आदत क्यों छड़दा, ये बिच्छू होके अपनी आदत पे दा काम में डंग करना, इदा काम में एहसान नु भुला देना, इदा काम में मोहसिन नु डंग कर देना, ये अपना अपनी आदत अपनी फितरत नहीं पे भुलदा, ते मैं ते फिर खिजर हाँ, मेरा ते काम में एहसान करना, मेरा ते काम में मेहरबानी करना। तो ये आलो सुन्नत व जमात दी अल्लाह तबारक व तआला ने सानू बड़ा तुर इम्तियाज अता फरमाया है। नबी सिर्फ साडा ते नहीं ना, नबी ते सारयां दा, लेकिन अलहम्दुलिल्लाह यार दी मिलाद दी सआदत रब्बे कायनात ने साडे हिस्से दे अंदर रखी है। आले खाना और जितने हजरात हाजिर हो परवरदगार सारयां नू बरकत अता फरमाए। हुण बिल्कुल मुख्तसर वक्त दे अंदर चंद मारूजात मैं अर्ज करके इजाजत तलब करांगा, जरा बादौक हो के सुभान अल्लाह बोल दो। रब्बे कायनात ने कलामे अजीज कुराने मजीद फुरकाने हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बाबा दे बुलंद रस सुभान अल्लाह इरशाद फरमाया। देखो ये ऐसा स्टेज वाले लोग जानने हैं, शाह साहब बहुत बड़े बंदे ने, ठीक है, मैं चौथी क्लास से ते आपनु सुनन लगा वा, ते उन्हां तो बाद हुण सुनाना की हुण निभाना है, ठीक है, हुण निभ जाण भी पंजी मिनट ते बड़ी गल है, क्योंकि आप माशाला ये दरकियां दे ने ना भाई नहरां जित्थों गुजर जाण उत्थे जनाब आसार रहिंदे ने, ते उत्थे माशाला डैम ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं बड़ी ताकत अता फरमाई और सरकार की मदद सराई दी वो अंदाज अता फरमाया। हुण तुहाडा ते मेरा दोहां दा इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान है सुनाना ते तुहाडा इम्तिहान है सुनना, हाँ शायद तो बाद फिर गुड़ दे काहदे जाके हुंदे ने, जरा ज़ौक नाल सुभान अल्लाह बोल दो। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है मेरे प्यारे नबी फरमा दे वो अगर मैं रब दे नाल मुहब्बत कर दे ने फरमाया तेरी इत्तबा करन तेरे नाल प्यार करन मैं रब्बे कायनात इन्हां दे नाल मुहब्बत फरमावांगा। मेरे सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औलाम जरा गौर फरमाना रब्बे कायनात ने जो अता फरमाया अपने यार दा वसीला अता फरमाया मेरे मालिक मौला ने जितने इनाम फरमाए रब्बे कायनात ने अपने यार दे वसीला ए जलीला नाल अता फरमाया लाजपाल करीम दा नौकरो रब्बे कायनात ने रिज़्क अता फरमाया उम्र अता फरमाई सांसा अता फरमाइया चलण वास्ते मेरे परवरदिगार ने जनाब आला लत्ता अता फरमाइया बोलण वास्ते जुबान अता फरमाई तमाम नेमत मेरे मालिक कमौला ने तमाम फरमाया लेकिन एक गल ज़हन दे अंदर रहनी चाहिदी है साडे अमल दा बदला नहीं अता फरमाया मुस्तफा दा वसीला अता फरमाया है। अगर असी अपने अमल नूं तकीए फिर ते सांस दी मेरे परवरदिगार दा करम है जिहड़ियां सांसां लैंदे पाया अगर अपने अमल नूं तकीए मुसलमानो फिर ते जनाब आला जिहड़ा जमीन ते चलदे पाया है भी मेरे परवरदिगार ने करम फरमाया फिर ते मेरे सरकार दे औलामो आसमान दी छत भी मेरे मालिक मौला ने करम कीता। जरा इतनी गल ते तवज्जो फरमाओ अगर मेरा परवरदिगार शर्त ला देंदा मेरे बंदे तू फजर पढ़ेगा मैं तेनों नाश्ता अता करांगा तू ज़ोहर पढ़ेगा मैं तेनों दिन दा खाणा दे तू मगरे पढ़ेगा तू असर पढ़ेगा मैं तेन सांसा अता फरमावांगा मगरे पढ़ेगा मैं तेन रात का खाना देंगा तू इशा पढ़ेगा मैं तेन नींद देंगा फिर लग पता जाता साडा अमल की आंदा है ते कितना आंदा है फिर फजर नू एक इमाम ते चार नमाजी नजर ना आंदे फिर जोर दे वेले जनाब आला इमाम ते मस्जिद दे सुतून ते चटाइया कदी नमाजियां नू पुकारदियां नजर ना आंदियां लाजपाल करीम दे औलामो फिर मगरिब दे वेले भी नमाजी होंदे फिर इशा दे वक्त भी जनाब
जनाबे आला नमाजी होंगे क्योंकि पता सी नमाज पढ़नी है ते रब्बे कायनात ने नींद देनी है। ए ते उदियां करम नवाजियां पुछो ना कोलो जड़े लखां दे गदियां ते सौंदे ने हजारां दियां गोलियां लैंदे ने सारी रात तड़फदियां गुजर जांदी है पर नींदर नहीं आंदी। ए मेरे मालिक ने साडे ते करम फरमाया फजर तो लैके इशा तक दे अहकाम दी रूह गिरदानी कीती जाए फिर भी फट्टे ते भी लेटदे आ ते मेरा मालिक मौला नींद दी दौलत नाल माला माल फरमा दिंदा है। ए साड़ी जात का कमाल नहीं ए मुहम्मद अरबी दी बात का कमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लिए अतान वादे करन वास्ते एक रिवायत दा सहारा लेके उस तो बाद मुख्तसरन चंद चंद गल्लां जनाब अर्ज करके इजाजत तलब करा लाजपाल करीम दे आलम जनाब सैयदना मूसा कलीम अल्लाह दे नाल गल्लां करन वाला मूसा एक दिन परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया जाके सिलसिला कलाम जोड़िया मेरे मूसा ने अर्ज करदे ने रब्ब आज किसे ऐसे बंदे नाल मिला जिहड़ा तैनूं प्यारा ना लगदा होवे जड़ा तन अच्छा ना लगदा होवे। फरमाया मेरे प्यारे मूसा उस पहाड़ी को जाके बह जा जड़ा सब तो पहले थल्ले उतरेगा फरमाया मेरा ना पसंदीदा होएगा। हजरत मूसा गए ने जनाबे आला इंतजार पे करदे ने कौन बदबख्त है जड़ा रहमत वाले रब नु भी प्यारा नहीं लगदा। लाजपाल करीम दे औलामो थल्ले बंदे उतरदे नु वेख्या 70 साल दा बुजुर्ग उतरदा पिया है छोटा जिहा बच्चा उंदी उंगली पकड़ के चलदा पिया है। हजरत मूसा कलीम ने वेख के फरमाया ओ बदबख्ता जेड़ा रब मां नालों भी 70 गुना ज्यादा मुहब्बत करदा है उस रब नु भी तू प्यारा नहीं लगदा। उन्हें मूसा दी सुनी अनसुनी कीती जनाब इस तरह अगे चलदा गया मेरे पाक कलीम परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया आके सिलसिला कलाम जोड़िया ते अर्ज करदे ने रब्बा तक आया वा उस बदबख्त नु लेकिन हुण किसे ऐसे नाल मिला दे जेड़ा तैनू प्यारा लगदा होवे जिदे नाल तू मुहब्बत करदा होवे जिदे नाल मेरे मालिक तू कायनात जो सब तो वध के प्यार करदा होवे। मेरे पाक परवरदिगार ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा कल उसे पहाड़ कोलो बैठी हुण जेड़ा सब तो पहले थल्ले उतरेगा फरमाया मेरा पसंदीदा होएगा। मेरे पाक कलीम बैठे ने लाजपाल करीम दा नौकर जदों सब तो पहले थल्ले उतरदे बंदे नु वेख्या अक्खां हैरत दे नाल फटियां रह गईयां ने इह ते उआ बाबा उतरदा पिया है जेड़ा कल उतरिया सी ते रब्बे कायनात ने फरमाया मैनू चंगा नहीं लगदा ए मैनू प्यारा नहीं लगदा। आप जनाबे आला दौड़ के तूर ते गए ने सिलसिला कलाम जोड़िया अर्ज करदे ने रब्बा कल तक दी दुश्मनी मुहब्बत दे अंदर किवें बदल गई है मेरे मालिक मौला कल तक दा मामला तब्दील किवें होया। फरमाया सुन मेरे मूसा ए जांदे पैसा ए दादा ते बच्चा इंदा पोतरा बच्चियां दे मिजाज दे अंदर तजस्सुस हुंदा है। उन्हें झील नूं तकिया ते सवाल कीता दादा झील तो वड्डी किहड़ी शै हुंदी है अके मेरे बच्चे झील तो वड्डी नदी होंदी है अके दादा नदी तो वड्डी केड़ी चीज होंदी है अके मेरे बेटे नदी तो वड्डा दरिया होंदा है। ओ बच्चा है मुतजस्से से उन्हें फिर सवाल कीता दादा दरिया तो वड्डी केड़ी चीज होंदी है अके मेरे बेटे दरिया तो वड्डा समंदर होंदा है। उन्हें फिर सवाल कीता दादा समंदर तो वड्डी केड़ी चीज होंदी है। प्यारे मूसा दी अखा भी बुझिया इहदा चेहरा भी बुझिया ते जमीन ते बह के कहिंदा है दरिया तो वड्डा समंदर पर इस समंदर तुम्हें बड़े तेरे बदकार दादे दे गुनाह ने इतने समंदर दे कतरे नहीं है जितने तेरे दादे ने पाप कीते ने इतनी एदियां लहरां नहीं जितने तेरे दादे ने गुनाह कीते ने। मेरे प्यारे मूसा जमीन ते बैठा है रोंदा पिया है इंदे पोतरे नु डर भी लगा ते तरस भी आया इस तरह कपड़ा लेके जनाबे आला दादे दे आंसू पोंछदा है ते कहंदा है दादा दरिया तो वड्डा समंदर समंदर तो वड्डे तेरे गुनाह होंदे ने लेकिन कोई ते ऐसी शे भी होवेगी जड़ी तेरे गुनाहों तो भी वड्डी होवेगी। कायनात दे अंदर कोई ऐसी शे भी होवेगी जिदी तादाद तेरे गुनाहों तो भी ज्यादा होएगी। फरमाया मेरे प्यारे मूसा उठिया इहदा चेहरा चमकिया ते इहदियां अखां चमकिया ते इस तरह तण के कहंदा है हां वे पुत्रा इस समंदर तो वड्डे मेरे पाप होंदे ने लेकिन जिहड़ी शे नूं तेरे दादे दे गुनाहों तो भी वड्डा कहंदे होंदे ने उहनूं मेरे परवरदिगार दी रहमत सदींदी हुंदी है उह अल्लाह दी रहमत हुंदी है। मेरे गुनाहों दी गिनती ते कीती जा सकती है लेकिन रब्बे कायनात दी थामां दी गिनती कोई नहीं। लाजपाल करीम दे अलावा फरमाया मूसा जदों इहने इतना बोल बोल दिता हुण तू दस मैं इहदियां खतावां नूं वेखदा या अपणियां थावां नूं वेखदा मैं इहदे गुनाहां नूं वेखदा
वेखदा या अपनी रहमत के दरियावां नूं वेखदा। फरमाया मेरे प्यारे मूसा एक आंसू दी अख चो नदामत दा निकलिया है जेड़ा मैं रब नूं इतना पसंद आया उहदा सदका मैं दे 70 साल दे गुनाहां नूं धो के रख दिता है। हजरत रूमी कश्मीर आप पे फरमान लेने के अदल करीते थर थर कंबे वदियां शाना वाले और फजल करीते बख्शे जाम ए मेरे जय मुका ते सरदार फैसलाबादी ने आख्या सी मेहरबान सुल्ताना जीशाना वड़े करम कमाए नी भला होवी कखां विच रुलने सन बख्त मेरे हो कखों लख बनाए नी भला होवी ते कलर शोर जमीन च मेहरबाना बूटे बख्तां दे लाए नी भला होवी पत्ता सारा सरदार नू कीतियां दा हो परदे ऐबां ते पाए नी भला होवी अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औचारिया बस हूँ 7 से 8 मिनट मजीद ने जरा सुभान अल्लाह बाबा दे बुलंद बोलो माशाअल्लाह आलो सुन्नत व जमात यकीन करो अवामे आलो सुन्नत दियाँ क्या इबादत अवामे आलो सुन्नत मुल्क की तारीख बदलन दे यकीन मैं कोई खुशामद बनावट नहीं पै करता किसी ने की दे देना है बंदे नू लेकिन बोलिया करो क्योंकि थोड़ा बोलना जड़ा ना इतनी तासीर है कि शायद इतने किसी के खिताब तासीर ना हो अवाम के बोलने चाहिए वो नाराज नहीं होना मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम ने लिखा वो किसी बंद ना को फड़ के लै गए पुलिस वाले एवें ही दफा दुफा ला के ना जलाद नू आंदा है बजा इन दा खले बार के असी खले आ रहे हैं तुम लित्र छित्र कहते होने वो लैके जाता है पै तो रस्ते आंदा है सर्दियां ने बड़े डाढ़े लगते नहीं तो मैं जिम्मी तो मारागा रुपया 100 दे तू चीका मारी तो आखेंगे जी लग गए वो अपनी तरह जनाबे वाला सुस्त शाह आंदा यार तू 200 ले लै तो चीका भी आप ही मारी तो गल है मेरे मुसलमान भाईओ ये नहीं हो सकता अब तकरीर भी मैं सुनावा तो सुभान अल्लाह भी मैं आखा यह तकरीर मैं अर्ज करनी है जनाब जी हो सकी तालिब इलम जो बयान कर सकते हैं लेकिन सुभान अल्लाह ज़ौक नाल तुसी इरशाद फरमानी है माशाल्लाह ए असी चुके देहाती लोग हाँ तो शहर के अंदर आके बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करने कि जनाब को ऐसी मुँह गल गल मुँह ना निकले जी तबे नाजक तो ग्रां गुजरे लेकिन बाद फिसल के निकल ही जाती नाराज नहीं होना जी गल अलहमदुलिल्लाह मुहब्बत की गल है वेखो 40वें साढ़े कुल साढ़े मिलाद साढ़े 11वीं साड़ियाँ सब कुछ साढ़ा तो तुम रोज़ आए बैठे को चावल की प्लेट अस्त को नहीं आता इतने जड़ा आता है अपने महबूब मिठे की अजमत वास्ते आता है सरकार दाना सुनने वास्ते आता है एक हदीस जी मेरे जेहन चाहती पई है जी थोड़े मेरे दिल का दरवाजा खड़का सकती है बहुत हो गया हूँ सरकार की मुहब्बत सरशार रहना सीखना है बस बहुत हो गया असं बड़ा लड़ बिड़ लिया तो बहुत कुछ असं कर बैठे हूँ सिर्फ इतना करना है कि महबूब मिठे की मुहब्बत दल्ला करनिया ने ते अपना मुवादना असा उन्होंने लोगों मुवादना तो नहीं कर सकते जिन्होंने जिन्होंने सरकार ने कलमा पढ़ाया लेकिन उन्होंने नक्शे कदम से चलन की कोशिश तो कर सकते हैं जरा जोक न सुभान अल्लाह बोलो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आलम अरीजा पिया पेश करना वा सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन साढ़े तक पहुँचाने वास्ते बड़ा दर्द वेख्या बड़े कर वेखे जिस दीन नूं अल्लाह दी इज्जत दी कसम है असां अमली तौर ते पसे पुश्त करके बैठे हाँ छोटी जी झलक तकाना मेरे सरकार दे नौ करो अज मैं या किबला शाह जी थोड़ी खिदमत के अंदर हाजिर होए अल्लाह की इज्जत की कसम है जाए पिदर थले बैठे ने तालिब इल्मां नूं उत्ते बिठाया किस वास्ते इस वास्ते बिठाया है कि बोलणगे सोने नबी दियां गल्लां सुनावणगे
वगरना कौन किसी उत्ते बिठा है। लाजपाल करीम दे आलामो खाना मर्जी दा गड्डी मर्जी दी मकान मर्जी दा रब ने हर चीज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमाइया ने इस दीन दा सदका। फिर मैं ए दावा हरगिज नहीं कर सकता कि हक दा कलमा जनाब आला कोई वाइस पे सुनांदा है इल्ला माशाल्लाह। लाजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आलामो अगर हक दा कलमा सुनाया है किसी होर जात ने नहीं सुनाया बल्कि वह भी आमना दे लाल ने सुनाया है। मेरे सरकार ताइफ के मैदान के अंदर जाने पे ने तुसा की समझते हो आका ने दीन साढ़े तक किस तरह पहुंचाया। आका ताइफ के मैदान के अंदर गए उन्होंने हक सुनाया जालमान हक पसंद ना आया। अल्लाह के प्यारे नबी दे रस्ते दे जनाब आला अद्धे इधर खलो गए अद्धे इधर खड़े हो गए। मेरे सरकार के पैरों से वट्टे मारते ने अल्लाह के नबी के पैरों से जनाब पत्थर पेंदे ने खून निकलता है। आका दर्द के नकाहत के नाल जमीन से बह जाते हैं। वो बादुआ चुप पकड़ के कहते ने उठो तो चलो सरकार फिर तुर पे फिर मेरे सरकार दे पाए मुबारक दे पत्थर मार देने। अल्लाह दा सोना नबी दर्द ते नकाहत दे नाल फिर जमीन ते बह जांदा है। लाजपाल करीम नूं फिर उठा के टुरांदे ने मेरे सरकार दे उलामो जदों इतना दर्द वेख्या मना दे नाल मेरे सरकार उस मकाम ते बैठे फरिश्ता हाजिर होया या रसूल अल्लाह हुक्म करो ये पहाड़ इन्हां दे उत्ते दे मारिए इन्हां दी हड्डियां दा भी सुरमा बन जावे। मुसलमानों जरा गौर करो बंदा बदले कादर होवे ते पैरां चो खून भी निकलदा पिया होवे कौन जड़ा माफ करेगा बदला नहीं लवेगा। लेकिन कुर्बान जावां सोने दी हलीम तबाह होण कोलो आका फरमांदे ने नहीं ए दर्द देण वास्ते आए ने दर्द देणगे मैं ते दुआवां देण वास्ते आया वा मैं ते दुआवां ही मैं मैनू पत्थर मारे ते की होया मेरे पैर जख्मी कीते ते की होया मैं ते फिर भी दुआवां ही देंगा। हजरत उस्ताद दामन लाहौरी ने फरमाया सी के दुश्मन पत्थर मारे साई दुआई देवे ओ करीम ना बनदा ते की बनदा दुश्मन पत्थर मारे साई दुआई देवे ओ करीम ना बनदा ते की बनदा पीके पाक हलीमा दा दुध सोना जे हलीम ना बनदा ते की बनदा पीके पाक हलीमा दा दुध सोना जे हलीम ना बनदा ते की बनला। मुसलमान भाइयो एक रिवायत अर्ज करके मैं जनाब को इजाजत लैन लगा। अल्लाह दे प्यारे नबी दे नौकर अल्लाह दी इज्जत दी कसम सानू इज्जत अता फरमाइया ते कमली वाले दे दीन ने अता फरमाया फरमाया अजीजुन अलैहिमा अनतुम हरीसुन अलैकुम फरमाया दर्द थानू हुंदा है ते रोंदा कमली वाला है तकलीफ थानू आंदी है फरमाया आंसू मेरे महबूब का निकलदे ने। अल्लाह दे सोने नबी दी बारगाह सहाबी नमाज पढ़न वास्ते हाजिर होवे तारीख दमिश्क दे अंदर मुहद्दिस इब्ने असाकिर ने रिवायत सही सनद दे नाल लिखी मेरे सरकार दी बारगाह दे अंदर नमाज पढ़े जल्दी जल्दी निकल जावे एक दिन मेरे सोने ने रोकया फरमाया सारे नमाज पढ़न वास्ते आंदे ने बाद अस नमाज मेरियां गल्लां सुनदे ने मेरा आवाज सुनदे ने तू कैसा बंदा है जल्दी निकल जाना है की माजरा है कोई वजह है जी रसूल अल्लाह वजह बड़ी माकूल है पर आका सारिया दे सामने दसन वाली नहीं करीमा मैनु वखरा लेके जावो आका मैं अर्ज करना वा मेरे सरकार जनाब आला अपने नौकर नु वखरा लेके गए ने फरमाया दस क्यों जल्दी टुर जाना है। अर्ज करदा है आका मैनु रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम है ये जेड़ा मैं तन ते चोला पाया या रसूल अल्लाह इस तो अलावा मेरे घर दे अंदर कपड़ा कोई नहीं आका एक जोड़ा कपड़िया दा मेरे कोलो जेड़ा मैं पाना या मेरी बीवी पांदी है मेरे सरकार जल्दी इस वास्ते चला जाना घर रसा अपने कमरे दे अंदर खड्डा मारिया है आका गड़ा खोदिया है मेरी बीवी उदे अंदर बैंदी है मैं नमाज पढ़न वास्ते जाना वा सुनिया चोला उतार के देना हो नमाज पढ़ती है आका इस वास्ते जल्दी जाना किधरे ताखीर ना हो जावे उदी नमाज ना रह जावे। लाजपाल करीम दे नामो जरा गौर करो साडे शिकवे की ने कि उदी दो मंजिला साडी एक मंजिला क्यों है साडा 50000 उदा लख क्यों है
लेकिन उन्होंने हयात से भी तिगौर करो मुसलमानों, जिन्हों को एक जोड़ा कपड़िया का पावन वाला लाजपाल करीम दना करो सरकार ताइफ के अंदर पत्थर पे पर सोना नहीं रोया, ओते मैदान के अंदर पत्थर मार के आका दे दंदान शहीद किए गए ने पर मेरा कमली वाला नहीं रोया, अपने गुलाम का दुख सुन के मेरा सोना भी रो पे आई। मेरे सरकार ने फरमाया कपड़े कोई नहीं, जी या रसूल अल्लाह कपड़े कोई नहीं, आका ने जोड़ा कपड़िया का दिता, मेरे सरकार ने दुआवा दिखा फरमाया जा अल्लाह तू अल्लाह तेन जनाब आला ईमान दे उत्ते जनाब इस्तकामत अता फरमाए मदावमत जनाब आला अता फरमाए। घर गया जनाब जोजा इस तरह गड़े चुनक लिए उन्होंने कपड़िया का जोड़ा दिता। मेरे सरकार ने औलामो ने मास पढ़ के कह दी मियां सच्ची दसी अज देर क्यों लाई आ, दिल दे कन भी हाजिर रख के गल सुनना इजाया करने वाली गल नहीं। लाजपाल करी उन्दे औलामो कहंदा है सोने ने रोक लिया, आका ने पुछया जल्दी क्यों जाना है, अर्ज की सोने कपड़े कोई नहीं, तक सोने ने कपड़े भी दिते ने ते आका ने दुआवां भी दित्तियां ने। कहंदी है बस अल्लाह दे बंदे तेरे नाल जड़ा गुजारा होना सी हो गया, हुण मैं तेरे नाल नहीं रहना चाहती, मैनू तलाक दे दे। कहंदा है बीबी मैं तैनू तन दे कपड़े ना दे सकया, तू मेरे कोलो तलाक नहीं मंगी, मैं तैनू पेट की रोटी ना दे सकया, तू मेरे कोलो तलाक ना मंगी, मेरी वजह तो तेरे बच्चे भुखे ते नंगे फिरदे पए ने, पर तू मेरे कोलो तलाक ना मंगी, अज ते कपड़े भी लेके आया वा, अज ते आका कोलो दुआवां भी लेके आया वा, अज मेरे कोलो तलाक मंगदी पई है, की माजरा है। हुण जरा गौर नाल सुनना आबे सर दे नाल लिखण काबिले जुमला, कहंदी है मियां मैं इसे बंदे नाल ते रह सकनी आ जिहड़ा मैनू तन दा चोला ना दे सकदा होवे, मैं इसे बंदे नाल भी रह सकनी आ जिहड़ा मैनू पेट दी रोटी ना दे सकदा होवे, मैं इसे बंदे नाल भी रह सकनी आ जिहदी वजह तो मेरे बच्चे भुखे ते नंगे फिरदे पए ने, पर मैं इसे बंदे नाल नहीं रह सकदी जिहड़ा मेरे नबी दे अगे जा के मेरे अल्लाह दे शिकवे करदा होवे, आखे जी अल्लाह ने सानू कपड़े कोई नहीं दिते, ओदी मर्जी भावे इक जोड़ा देवे, ओदी मर्जी भावे इक भी ना देवे, मैं ते उस हाल दे अंदर राजी रवांगी जेड़े हाल दे अंदर मेरा पैदा करन वाला परवरदिगार राजी रवेगा। वो एक जोड़े दे अंदर राजी है ते मैं भी राजी हाँ, वो नंगे तन दे अंदर राजी है ते मैं भी राजी हाँ, ये दिन ते गुजर जाते होंगे ने पल पर कल रब नूं भी ते शकल तकानी है, जिंदगी ते आयाम गुजर जाते ने पर अल्लाह नूं अपनी मखलूक दियां गल्लां याद रह जांदियां ने। सैयद वारिस शाह सरकार पे फरमान दे ने काफ कखां दियां कुलियां रैन खड़िया ते चुनेदार हवेलियां ठेंदियां ने किन्ने औखड़े सौखड़े लंघ जांदे हो पर गल्लां याद सजण दियां रहंदियां ने। गरीबां ते करम करन वाला असा नादारा जिन्हां नूं कोई पुछण वाला ना होए साढ़े ते मेहरबानियां करन वाला, मैनूं एक शेर याद आया कि नीवियां दा परौणा ए नीवियां दा परौणा है साडा नबी ए कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो ए जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए परौणा है साडा नबी जड़ा कशाना है नबुव्वत तो बाहर बैठा है। एक सहाबी ने इस तरह करके सलाम पेश किया, आका ने फरमाया नेड़े आ सरकार दे नेड़े आया, आका ने उदे हाथ अपने हाथों के अंदर लाए ने फरमाया तेरे हाथों ते छाले पे ने की मामला है। कहंदा है सोने मजदूर जे होयो से आका कदी पत्थर ढोने पेंदे ने कदी औलाद चलाने पेंदे ने सोने हाथों ते छाले पे गए ने जड़ा जुमला कमली वाले ने बोले आज कोई बोले ते मनिए। मेरे सरकार ने फरमाया हाथ नेड़े कर मैं तेरे हाथों नूं बोसा देना चाहना वा
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਫਿਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਆਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਕਾ ਜਿਸ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਕਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨ ਕਸੀਰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਕਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋਗੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਕਾਵੀ ਤੇ ਆਖੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਕਿ ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਵੋ ਕਹਿਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਤੋ ਐਸੀ ਹੋ, ਹਮੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਵੋ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਦੇਤੇ ਹੈ ਦੁਆਇਕ ਸਰ ਕੋਈਲਾ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ, ਕੋਈਲਾ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋ ਤੋ ਐਸੀ ਹੋ, ਕੋਈਲਾ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋ ਤੋ ਐਸੀ ਹੋ। عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, جس نے ساڈے واسطے رات دے اندھیرے دے اندر پیشانیاں ٹکا ٹکا کے دعائیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جناب طارق حسین نقشبندی صاحب, جناب ملک الطاف حسین صاحب, ملک اجاز حسین صاحب, ملک اخلاق حسین صاحب و دیگر جتنے احباب نے اس محفل پاک نو سجایا, تشریف فرما ہو کے رونق نو بڑھایا, میرا پروردگار سب نو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور جس ذوق محبت نال آپ احباب اس وقت تک تشریف فرماؤ, یہ بڑی ہمت دی گل ہوندی ہے, بڑی ہمت دی گل ہوندی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن دے اندر رکھنا, اس دور دے اندر وقت ہر کسی دا قیمتی ہے, لیکن کوئی بندہ غلط فہمی دے اندر مبتلا نہ ہوئے۔ اتھے آ کے جڑا وقت قیمتی ہوندا ہے نا, اس تو ود کوئی ویلا قیمتی نہیں ہوندا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی نا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اے اس وقت دا جدو مل پوے گا نا اس دیہڑے, تے پھر پتہ لگے گا جڑیاں گھڑیاں اتھے گزاریاں سن انہاں دا کی نام اکرام ملے ہے۔ ساڈے کول سونے دی نسبت بغیر ہور ہے کیا مسلمان بھائیو؟ اللہ تعالیٰ جملہ علماء کرام آپ دا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ ایک آخری شعر میں حضرت بوٹا گجراتی دا پڑھ کے تھوڑی جان خلاصی کراں گا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ 90 سال گزر گئے نے, خطبہ پڑھتے پے نے, وہ ہٹ گئے نے, شعر نہیں ہٹیا, کیونکہ بعض شعر ایسے ہوندے نے اس تے قبولیت دی سونا مور لا دیندا ہے, اس تے لگی ہوئی ہے اس واسطے۔ اور آپ نے کوزے دریا بند کر دیتا, پوری تقریر دا خلاصہ بھی ہو جائے گا تے جان خلاصی بھی ہو جائے گی۔ ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو۔ فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے گے نال تیرے, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਇਹ ਜੱਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੂਠਾ ਹੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੇਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਹਨਾ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਣਗੇ।
मगर ना कौन किसी उत्ते बिठा है लाजपाल करी लामो खाना मर्जी का गड्डी मर्जी दी मकान मर्जी का रब ने हर चीज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमाइया ने इस दीन का सदका फिर मैं ये दावा हरगिज नहीं कर सकता कि हक का कलमा जनाब आला कोई वाइस पे सुना है इला माशाल्लाह लाजपाल करी मले सला तो सलाम लामो अगर हक का कलमा सुनाया है किसी होर जात ने नहीं सुनाया बल्कि वह भी आमना दे लाल ने सुनाया है मेरे सरकार ताइफ के मैदान के अंदर जाते पे ने तुसा की समझते हो आका ने दीन साढ़े तक किस तरह पहुंचाया आका ताइफ के मैदान के अंदर गए उन्होंने हक सुनाया जालमा नु हक पसंद ना आया अल्लाह के प्यारे नबी दे रस्ते दे जनाब आला इधर खलो गए इधर खड़े हो गए मेरे सरकार दे पैरां ते वट्टे मार देने अल्लाह के नबी दे पैरां ते जनाब पत्थर पैंदे ने खून निकलता है आका दर्द ते नकाहत दे नाल जमीन ते बह जांदे ने ओ बाजुआं चुप पकड़ के कहंदे ने उठो ते चलो सरकार फिर तुर पैंदे ने फिर मेरे सरकार दे पाए मुबारक दे पत्थर मार देने अल्लाह दा सोना नबी दर्द ते नकाहत दे नाल फिर जमीन ते बह जांदा है लाजपाल करीम नु फिर उठा के टुरांदे ने मेरे सरकार दे उलामो जदों इतना दर्द वेख्या मना दे नाल मेरे सरकार उस मकाम ते बैठे फरिश्ता हाजिर होया या रसूल अल्लाह हुक्म करो ये पहाड़ इन्हां दे उत्ते दे मारिया इन्हां दी हड्डियां दा भी सुरमा बन जावे मुसलमानो जरा गौर करो बंदा बदले कादर होवे ते पैरां चो खून भी निकलदा पिया होवे कौन है जेड़ा माफ करेगा बदला नहीं लवेगा लेकिन कुर्बान जावां सोने दी हलीम तबाह होण कोलो आका फरमांदे ने नहीं ए दर्द देण वास्ते आए ने दर्द देणगे मैं ते दुआवां देण वास्ते आया वा मैं ते दुआवां ही देवां मैनू पत्थर मारे ते की होया मेरे पैर जख्मी कीते ते की होया मैं ते फिर भी दुआवां ही देंगा हजरत उस्ताद दामन लाहौरी ने फरमाया सी के दुश्मन पत्थर मारे साई दुआई देवे ओ करीम ना बनदा ते की बनदा दुश्मन पत्थर मारे साई दुआई देवे ओ करीम ना बनदा ते की बनदा पीके पाक हलीमा दा दुद सोना जे हलीम ना बनदा ते की बनदा पीके पाक हलीमा दा दुद सोना जे हलीम ना बनदा ते की बनदा मुसलमान भाइयों एक रिवायत अर्ज करके मैं जनाब को इजाजत लैन लगा अल्लाह दे प्यारे नबी दे नौकर अल्लाह दी इज्जत दी कसम सानू इज्जत अता फरमाईया ते कमली वाले दे दीन ने अता फरमाया फरमाया अजीजुन अलैहिमा नितुम हरीसुन अलैकुम फरमाया दर्द थानू हुंदा है ते रोंदा कमली वाला है तकलीफ थानू आंदी है फरमाया आंसू मेरे महबूब का निकलदा ने अल्लाह दे सोने नबी दी बारगाह सहाबी नमाज पढ़न वास्ते हाजिर होवे तारीख दमिश्क दे अंदर मुहद्दिस इब्ने असाकिर ने रिवायत सही सनद दे नाल लिखी मेरे सरकार दी बारगाह दे अंदर नमाज पढ़े जल्दी जल्दी निकल जावे एक दिन मेरे सोने ने रोकया फरमाया सारे नमाज पढ़न वास्ते आंदे ने बाद अस नमाज मेरी गल्लां सुनदे ने मेरा आवाज सुनदे ने तू कैसा बंदा है जल्दी निकल जाना है की माजरा है कोई वजह है जी रसूल अल्लाह वजह बड़ी माकूल है पर आका सारियां दे सामने दसन वाली नहीं करीमा मैनू वखरा लेके जावो आका मैं अर्ज करना वा मेरे सरकार जनाब आला अपने नौकर नु वखरा लेके गए ने फरमाया दस क्यों जल्दी टुर जाना है अर्ज करदा है आका मैनू रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम है ये जेड़ा मैं तन ते चोला पाया या रसूल अल्लाह इस तू अलावा मेरे घर दे अंदर कपड़ा कोई नहीं आका एक जोड़ा कपड़ियां दा मेरे कोलों जेड़ा मैं पाना या मेरी बीवी पांदी है मेरे सरकार जल्दी इस वास्ते चला जाना घर रसा अपने कमरे दे अंदर खड्डा मारिया है आका गड़ा खोदिया है मेरी बीवी उहदे अंदर बहिंदी है मैं नमाज पढ़न वास्ते जाना वा सोणिया चोला उतार के देना हो नमाज पढ़दी है आका इस वास्ते जल्दी जाना किधरे ताखीर ना हो जावे उहदी नमाज ना रह जावे लाजपाल करीम दे नाम जरा गौर करो साडे शिकवे की ने कि उहदी दो मंजिला साडी एक मंजिला क्यों है साडा 50,000 उहदा लख क्यों है
लेकिन उन्होंने हयात से भी गौर करो मुसलमानों, जिन्हों को एक जोड़ा कपड़िया का पावन वाला लाजपाल करीम दना करो सरकार ताइफ के अंदर पत्थर पे पर सोना नहीं रोया, ओते मैदान के अंदर पत्थर मार के आका दे दंदान शहीद किए गए ने पर मेरा कमली वाला नहीं रोया। अपने गुलाम का दुख सुन के मेरा सोना भी रो पे आई। मेरे सरकार ने फरमाया कपड़े कोई नहीं, जी या रसूल अल्लाह कपड़े कोई नहीं। आका ने जोड़ा कपड़िया का दिता, मेरे सरकार ने दुआवां दित्तियां, फरमाया जा अल्लाह तू अल्लाह तेनू जनाबे आला ईमान दे उत्ते जनाब इस्तकामत अता फरमाए, मदावमत जनाबे आला अता फरमाए। घर गया जनाब जोजा इस तरह कड़े चुनक लिए उन्हों कपड़िया का जोड़ा दिता। मेरे सरकार ने औलामा नमाज पढ़ के कह दी मियां सच्ची दसी अज देर क्यों लाई आ, ए दिल दे कन भी हाजिर रख के गल सुनना, ए जाया करन वाली गल नहीं। लाजपाल करीम दे औलामा कहंदा है सोने ने रोक लिया। आका ने पुछया जल्दी क्यों जाना है, अर्ज की सोने कपड़े कोई नहीं। तक सोने ने कपड़े भी दिते ने ते आका ने दुआवां भी दित्तियां ने। कहंदी है बस अल्लाह दे बंदे तेरे नाल जड़ा गुजारा होना सी हो गया, हुण मैं तेरे नाल नहीं रहना चाहती, मैनू तलाक दे दे। कहंदा है बीबी मैं तेनू तन दे कपड़े ना दे सकया, तू मेरे कोलो तलाक नहीं मंगी, मैं तेनु पेट की रोटी ना दे सकया, तू मेरे कोलो तलाक ना मंगी, मेरी वजह तो तेरे बच्चे भुखे ते नंगे फिरदे पए ने, पर तू मेरे कोलो तलाक ना मंगी। अज ते कपड़े भी लेके आया वा, अज ते आका कोलो दुआवां भी लेके आया वा, अज मेरे कोलो तलाक मंगदी पई है, की माजरा है। हुण जरा गौर नाल सुनना, आबे सर दे नाल लिखण काबिले जुमला। कहंदी है मियां मैं उसे बंदे नाल ते रह सकनी आ जिहड़ा मैनू तन दा चोला ना दे सकदा होवे, मैं इसे बंदे नाल भी रह सकनी आ जिहड़ा मैनू पेट दी रोटी ना दे सकदा होवे, मैं इसे बंदे नाल भी रह सकनी आ जिहदी वजह तो मेरे बच्चे भुखे ते नंगे फिरदे पए ने, पर मैं इसे बंदे नाल नहीं रह सकदी जिहड़ा मेरे नबी दे अगे जा के मेरे अल्लाह दे शिकवे करदा होवे। आखे जी अल्लाह ने सानू कपड़े कोई नहीं दित्ते, ओदी मर्जी भावे इक जोड़ा देवे, ओदी मर्जी भावे इक भी ना देवे, मैं ते उस हाल दे अंदर राजी रवांगी जेड़े हाल दे अंदर मेरा पैदा करन वाला परवरदिगार राजी रवेगा। वो एक जोड़े दे अंदर राजी है ते मैं भी राजी हाँ, वो नंगे तन दे अंदर राजी है ते मैं भी राजी हाँ। ये दिन ते गुजर जाते आते ने पल, पर कल रब नू भी ते शकल तकानी है। जिंदगी ते आयाम गुजर जाते ने पर अल्लाह नू अपनी मखलूक दियां गल्लां याद रह जांदियां ने। सैयद वारिस शाह सरकार पे फरमान दे ने काफ कखां दियां कुलियां रैन खड़िया ते चुनेदार हवेलियां ठेंदियां ने दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे हो पर गल्लां याद सजण दियां रहंदियां ने। गरीबां ते करम करन वाला असां नादारा जिन्हां नूं कोई पुछण वाला ना होए साढ़े ते मेहरबानियां करन वाला। मैनूं एक शेर याद आया कि नीवियां दा परौणा ए नीवियां दा परौणा है साडा नबी ए कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो ए जिदियां रामा बड़े वेखदे रह गए परौना है साडा नबी जड़ा कशाना है नबुव्वत तो बाहर बैठा है। एक सहाबी ने इस तरह करके सलाम पेश किया, आका ने फरमाया नेड़े आ सरकार दे नेड़े आया। आका ने उदे हाथ अपने हाथों के अंदर लए ने फरमाया तेरे हाथों ते छाले पे ने की मामला है। कहंदा है सोने मजदूर जे होयो से आका कदी पत्थर ढोने पेंदे ने कदी औलाद चलाने पेंदे ने सोने हाथों ते छाले पे गए ने। जड़ा जुमला कमली वाले ने बोले आज कोई बोले ते मनिए मेरे सरकार ने फरमाया हाथ नेड़े कर मैं तेरे हाथों नूं बोसा देना चाहना वा।
ये गल करनी सौखी है सुननी सौखी है। अज किसे दियां आंदरां जनाब आला थिदियां हो जावण बंदे नाल गल करना भी गवारा नहीं करदा। सरकार ने फरमाया हाथ नेड़े कर मैं चुम्मा, कहंदा लज पाला चीखा निकल गईयां, आका साडे नाल बह के ते कोई खाना गवारा नहीं करदा। आका जिस प्याले चो पानी पीने आ, मुड़ के उस प्याले चो कोई पानी भी नहीं पींदा। आका जना बर्तना च रोटी खाने आ, आका बर्तन भी मुड़ के देर कसीर के देने जनाब इस्तेमाल कदी नहीं कीते। आका तुसा मेरे हत्थां नूं चुम्मोगे, फरमाया तेरे हत्थां नूं नहीं पिया चुम्मदा, तेरी जन्नत दी जमानत नूं चुम्मदा पिया वा। इस तरह करके कयामत वाले दिन हत्थ कामी ते आखी रब्बा मैं हराम नहीं कमाया, मैं ते हलाल दा लुकमा कमा के अपने हले खाना दी परवरिश कीती है। फरमाया तेरे छालियां दा सदका मेरा मालिक तेनूं जन्नत अता फरमा देवेगा, ते फिर क्यों ना आखिए हो सके ते मेरे नाल पढ़ लवो के हमें अपना वो कहते मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो वो पत्थर मारने वालों को देते हैं तो आयक सर कोई ला मिसाल ऐसी, कोई ला मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, कोई ला मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो। अज़ीज़ुन अलैहिमा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, जिसने साढ़े वास्ते रात दे अंधेरे दे अंदर पेशानियाँ टिका टिका के दुआ फरमाई। अल्लाह ताला जनाब तारिक हुसैन नक्शबंदी साहब, जनाब मलिक अल्ताफ़ हुसैन साहब, मलिक एजाज हुसैन साहब, मलिक अखलाक हुसैन साहब व दीगर जितने अहबाब ने इस महफिल पाक में सजाया तशरीफ़ फरमा हो के रौनक न बढ़ाया, मेरा परवरदिगार सब नु अजर जजील अता फरमाए। और जिस ज़ौक मोहब्बत नाल आप अहबाब इस वक्त तक तशरीफ़ फरमाओ, ये बड़ी हिम्मत की गल होंदी है, बड़ी हिम्मत की गल होंदी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़हन के अंदर रखना, इस दौर के अंदर वक्त हर किसी का कीमती है, लेकिन कोई बंदा गलत फहमी के अंदर मुबतला ना होवे। इत्थे आ के जिहड़ा वक्त कीमती होंदा है ना, उस तो वध कोई वेला कीमती नहीं होंदा। यो आला हजरत ने फरमाया सी ना कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये इस वक्त का जब मुल पवेगा ना उस दिहाड़े, तो फिर पता लगेगा जड़िया घड़ियां उत्थे गुजारियां सन उन्हां दा की नाम इकराम मिले है। साढ़े को सोने की नस्बत बगैर होर है क्या मुसलमान भाईओ। अल्लाह ताला जुमला उलमाए किराम आप दा साया कायम दायम फरमाए। एक आखिरी शेर मैं हजरत बूटा गुजराती का पढ़ के थोड़ी जान खलासी करांगा। उसकी वजह यह है कि ये 90 साल गुजर गए ने, खुतबा पढ़ते पे ने, वह हट गए ने, शेर नहीं हटे। क्योंकि बाद शेर ऐसे होंगे ना उस कबूलीयत की सोना मोहर ला देता है, इससे लगी हुई है इस वास्ते। और आपने कूदे दरिया बंद कर दिता, पूरी तकरीर का खुलासा भी हो जाएगा ते जान खुलासी भी हो जाएगी। जरा दौक ना सुभान अल्लाह बोल दो। फरमाया जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उना भी बाजिया हारिया ने जेड़े तरसते सन दीद नो दिने राती अज उना भी बारिया मारिया ने ते जदों बाग विच खजाने वाल खोले ते पंछी उड़ गए मार उड़ारिया ने मोहम्मद बूटिया ए जगदा प्यार झूठा हो सचियां पाक मोहम्मदिया यारिया ने क्योंकि ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा ए कमली वाला जे वेखे ता दिल वेखदा बाखर दवाना ने दा
लाखों सलाम वक्त गुजरा है जो आप की याद में वक्त गुजरा है जो आप की याद में ऐसी नूरानी सा अत पे लाखों सलाम मुस्तफा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल तेरी जोस्त जो मैं जीना तेरी आरज़ू मैं मरना यही मेरी जिंदगी है सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह दस्त बस्ता खड़े आका जी हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल मोहब्बत अकीदत खुलूस से बर्पा की है से अपनी बारगाह नाज में शर्फ कबूलियत अता फरमा जितने मुसलमान अपने कीमती औकात जी अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ फरमा हुए मेरे मालिक मौला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह नाल में मकबूल फरमा इस महफिल पाक के तसल्लुक व तवस्सुल से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात इस दारे फानी से कल्ब से बिलुमुम 1,00,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे बिल किया गया तो उनके अलाल आलमीन इस सवाब का सदका तमाम मोमिनीन मोमिनात जो इस दारे फानी से कल्ब से बिलुमुम और बिलखुसूस जनाब तारिक भाई की वालिद मोहतरम अलाल आलमीन उनको जन्नत अल-फिरदौस में मकाम आला नसीब फरमा और बिलखुसूस वतन अजीज पाकिस्तान के इंतहाई सूफी मनश दरवेश और मुखलिस सनाखान मुस्तफ़ा जनाब हजरत खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका इंतकाल हुआ मेरे मालिक को मौला खुसूसी तौर पर आपकी कब्र को रोशन फरमा मुनव्वर फरमा ताहत देने का कुशादगी अता फरमा हमें अकीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे हमेशा कायम मुदायम फरमा इसी अकीदे पे मुदावमत अता फरमा इसी पे जिंदगी इसी पे मौत अता फरमा इलाह आलमीन ढेरों नेक हाजात हर मुसलमान के सीने में है मेरे मालिक को मौला हम उनको अल्फाज नहीं दे सकते हमारे पास ना अल्फाज हैं ना वक्त है मेरे मालिक को मौला तो खूब जानने वाला है तमाम मुसलमानों के नेक हाजात को पूरा फरमा बरान रहमत अता रहम की बारिश अता याद पाक की अज़ीम शान खूबसूरत महफिल पाक को अपनी बारगाह नाज़ में शर्फ़े कबूलियत अता रब्बाना
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه